हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है 1946 प्रोविंशियल इलेक्शंस। बेसिकली हुआ क्या कि जून 1945 में वेवल प्लान फेल हो गया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और इसके तुरंत बाद जुलाई 1945 में ही ब्रिटेन में सरकार बदल गई। अब लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी और नए प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली। इसके कुछ ही समय बाद 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वार टू भी एंड हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी समय से इस वर्ल्ड वार टू में बिजी थी, तो वर्ल्ड वार टू के एंड होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट अब वापस से इंडिया पर फोकस कर सकती थी। इसीलिए अब 19 सितंबर 1945 को वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने अनाउंस कर दिया कि दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 के बीच सेंटर और प्रोविंसेस में इलेक्शंस करवाए जाएंगे और इन्हीं इलेक्शंस के बेस पर एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स भी फॉर्म की जाएंगी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने अपने कैंपेन में अपने आप को एंटायर इंडियन पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव बताया, जबकि मुस्लिम लीग ने क्लियरली अपने आप को मुस्लिम पॉपुलेशन का सोल रिप्रेजेंटेटिव बताया। इस इलेक्शन का मेन मुद्दा था पाकिस्तान। मुस्लिम लीग वोट मांग रही थी कि अगर आपको पाकिस्तान बनवाना है तो मुस्लिम लीग को वोट करो, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस वोट मांग रही थी कि अगर यूनाइटेड इंडिया को पार्टीशन से बचाना है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट करो। ओवरऑल देखा जाए तो इन इलेक्शंस में फिर एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर साबित हुई। हालांकि मुस्लिम लीग का भी इन चुनावों में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन था। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम रिजर्व सीट्स पर जीत दर्ज की थी। हालांकि इसके अलावा मुस्लिम लीग एक भी नॉन मुस्लिम सीट्स को जीत नहीं पाई थी। ये इलेक्शंस हुए थे सेंटर और प्रोविंस लेवल दोनों के लिए। बात करते हैं सबसे पहले सेंटर की। सेंटर में टोटल सीट्स थी 102, जिसमें कांग्रेस ने टोटल 59 सीट्स जीती थी, जबकि मुस्लिम लीग ने 30 सीट्स पर अपनी जीत दर्ज की थी। चलिए अब देखते हैं कि प्रोविंसेस में क्या हाल रहा। आसाम, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंसेस में मेजॉरिटी पार्टी थी कांग्रेस, जबकि बंगाल, पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन इलेक्शंस में टोटल 492 सीट्स रिजर्व थी मुस्लिम्स के लिए। आउट ऑफ 492 सीट्स मुस्लिम लीग ने 429 सीट्स पर जीत दर्ज की थी, यानी 87% ऑफ द मुस्लिम सीट्स पर मुस्लिम लीग का कब्जा था। तो इन इलेक्शन से एक बात ये भी साबित हो गई कि मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम्स की सोल रिप्रेजेंटेटिव है। और इसी के साथ पाकिस्तान बनने का रास्ता और ज़्यादा साफ होने लग गया। इस वीडियो के नोट्स bookstava.com वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। bookstava चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इंडिया के आज़ाद होने तक की सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए bookstava चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग bookstava।